आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम खाएंगे शकरकंदी की चाट यानी कि स्वीट पोटैटो चाट। क्या नाम है भैया आपका? राजपाल। कब से लगा रहे हो ये? ये 3 साल हो गए, हर सीजन लगाता हूँ सर्दियों में। अच्छा, कैसे कैसे बनाते हो बताओ जरा इसके बारे में, मतलब इसे उबालते हो आप, भूनते हो, क्या करते हो? रेत में भूनते हैं। रेत में भूनते हो? कितनी देर? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। और इस टाइम इसमें क्या कर रहे हो आप? अभी गर्म होती है हल्के हल्के से। अच्छा, तो लकड़ी से आप इसको भूनते रहते हो? हाँ, गर्म होती रहती है। और क्या क्या मिलाते हो इसमें आप? चाट मसाला है, जीरा मसाला है। जीरा मसाला है? ये जीरा मसाला है। हाँ। ये चाट मसाला है। अच्छा, ये काला नमक। अच्छा, ये इमली की चटनी है। अच्छा, ये धनिया है। ये धनिया की चटनी है। तो जरा लगा के दिखाओ हमें। भैया के पास बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी, एकदम साफ तरीके से बना रहे थे, तो हमने सोचा इनकी शकरकंदी ट्राई की जाए। कितने का दिया एक पत्ता? 50 रुपए का। अच्छा, सही करके बनाना, खटाई वटाई अच्छी डाल के। तो शकरकंदी कहाँ से लेके आते हो आप? साहिबाबाद से लाते हो? साहिबाबाद मंडी से। हाँ। और ये जगह कौन सी है ये भी बता दो। इंदिरापुरम। ये इंदिरापुरम है? हाँ। किसके पास पड़ेगा ये इंदिरापुरम? ये पड़ता है। लोकेशन किसके पास पड़ेगी? ये है डीपीएस स्कूल। डीपीएस स्कूल के पास? डीपीएस नहीं, हुआ रेलवे ज्ञानखंड तीन में पड़ेगी, क्योंकि डीपीएस तो आगे है, ये कोई दूसरा स्कूल है सर, सेंट थॉमस है। हाँ, सेंट थॉमस स्कूल। सेंट थॉमस के सामने हो आप, ज्ञानखंड तीन सेक्टर 5 वाली खुली। भैया से हमने पहले ही बोल दिया था कि हमारी चाट में मसाले अच्छे से डालें और चाट चटपटी सी खट्टी मीठी बनाएं। ये लो। हमारी चाट देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, अब हम इसको खाकर भी देखते हैं। ये खाने में भी कम टेस्टी नहीं है, काफी टेस्टी है।